Good morning, students. Today we will revise the true or false of chapter 2. Write T for true and F for false statements. जो true statements हैं उनके आगे हमें T show करना है और जो false statements हैं उनके आगे हमें F show करना है. तो पहला sentence हमारा मूंग एंड ब्लैक ग्राम्स आर पल्सेज. मूंग और काला चना ये दालें हैं और इन्हें दालों में ही मतलब ये दालों में ही आते हैं इसलिए ये true होगा. We eat the roots of cauliflower. जबकि हम cauliflower की roots नहीं खाते हैं बल्कि उसका flower खाते हैं. So this is false. Sugar, tea and coffee come from plants. चीनी, चाय और coffee ये पौधों से आती हैं. अब sugar है वो हमें sugar cane से मिलती है. Tea plant से मिलती है और coffee का भी plant होता है जो जिसके seed से हमें coffee मिलती है. तो ये true है. नेक्स्ट लीव्स ऑफ नीम ट्री आर यूज टू मेक सोप. मतलब नीम के जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां हैं वो साबुन बनाने के लिए यूज की जाती हैं और ये ट्रू है. सो दिस इज ट्रू. एंड नाउ वी विल कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस है वुड इज यूज टू मेक. मतलब लकड़ी जो है क्या बनाने के लिए यूज की जाती है. फर्नीचर. जैस्मिन इज यूज टू मेक जैस्मिन क्योंकि बहुत ही एक खुशबूदार होता है खुशबूदार फूल होता है. इससे हम परफ्यूम बनाते हैं. इसके अलावा इससे ऑयल भी बनते हैं. तो यहाँ पर आप ऑयल भी लिख सकते हैं. बैम्बू इज यूज टू मेक और बैम्बू से पेपर बनाया जाता है. सो हमारा आंसर होगा पेपर. एंड नाउ योर होमवर्क यू हैव टू रिवाइज ट्रू और फॉल्स एंड दीज सेंटेंसेस. थैंक यू.